WTC फाइनल में निकल सकता है नतीजा, बराबरी पर खड़ी हैं दोनों टीमें। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा WTC फाइनल रिजर्व डे तक बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। बारिश के कारण मैच का अधिकतर वक्त बर्बाद हुआ है, लेकिन अब भी नतीजा आने की संभावना बची हुई है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बेहद ही रोमांचक हो गया है। मैच में अब बस 98 ओवर का खेल बचा है, लेकिन नतीजा आने की उम्मीद जाग गई है। पांचवें दिन का खेल खत्म होने के तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाए और उससे अब तक 32 रनों की बढ़त हासिल है। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रन पर ढेर हुई और उसने 32 रनों की बढ़त ली। स्टंप तक चेतेश्वर पुजारा 55 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 12 रन और कप्तान विराट कोहली 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की ओर से टीम साउदी को अब तक 2 विकेट मिले हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड को पहली पारी में समेटने के बाद बल्लेबाजी के लिए उत्तरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सुमन गिल 8 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित शर्मा ने पुजारा के साथ मिलकर पारी आगे बढ़ाई, लेकिन वह भी साउदी की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित ने 81 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 30 रन बनाए हैं।